आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय शेयर बाजार में पैसा कैसे कमाएं। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हम इस वीडियो में सरल हिंदी भाषा में समझाएंगे कि आप शेयर बाजार में पैसे कैसे कमा सकते हो, और वो भी बिना किसी ज्यादा जोखिम के। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और आप प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अगर उसी कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो शेयर की कीमत घटती है, और इसीलिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले शेयर बाजार को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के कई तरीके हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, और आईपीओ में इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अब इन चारों तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे रहने वाला है। नंबर वन, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे प्रमुख एक्सचेंजेस होते हैं। इनके माध्यम से कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक का प्राइस डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि कंपनी की परफॉर्मेंस, देश की इकोनॉमिक कंडीशन और ग्लोबल मार्केट का हाल। अब इन सभी बातों को ट्रैक करने के लिए आप अलग अलग वेबसाइट्स जैसे कि मनी कंट्रोल, एनएसई इंडिया और बीएसई इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर आप स्टॉक्स की कीमत, कंपनियों का फाइनेंशियल डेटा और मार्केट से जुड़ी खबरों का पता लगा सकते हैं। नंबर टू, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं आपको अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ एक दो साल में करोड़पति बनने आए हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हो सकता है आप अपना सारा का सारा पैसा मार्केट में मौजूद उन लोगों को दे दोगे जिन्हें लंबे समय के बाद अमीर बनना है। दोस्तों, शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जल्दबाजी में पैसा कमाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको काफी नुकसान हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे आप 5 से 10 साल तक होल्ड कर सकें। हमारे भारतीय शेयर बाजार में ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने लंबे समय में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है, जैसे कि TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक। 10 मार्च 2020 को दवाइयों की कंपनी सीप्ला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 355 रुपए था, लेकिन आज इसी स्टॉक की कीमत 1600 रुपए है। 350% का रिटर्न अकेले इस स्टॉक ने दिया है, यानी कि अगर आपने इस स्टॉक में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 4.5 साल बाद वो 1,00,000 रुपए 4,50,000 बन गए होते। और ये तो मैंने बस आपको एक स्टॉक का उदाहरण दिया है। शेयर बाजार में ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने कुछ सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत मार्च 2020 में 65 रुपए थी, लेकिन आज इसी स्टॉक की कीमत लगभग 1100 रुपए है। यानी कि अगर उस समय इस स्टॉक में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 4.5 साल में वो 1,17,00,000 बन जाते। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे स्टॉक्स में से हम कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, तो हमारा थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और हजारों स्टॉक्स में से 5-10 स्टॉक्स को सिलेक्ट करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने सही स्टॉक्स चुने तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी और आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। भविष्य में अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए सही स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चलता है। इसके अलावा आपको मार्केट के ट्रेंड का भी पता होना चाहिए कि उस स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। और एक अच्छे स्टॉक में लंबे समय तक आपको पैसा लगाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और कंपनी जो प्रोडक्ट्स और सर्विस दे रही है वो आने वाले टाइम में कितना इस्तेमाल होने वाली है। इसके अलावा मार्केट के मूड को समझने की कोशिश करें। अगर किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप खबरों के पीछे की असली कहानी जानते हो, क्योंकि दोस्तों कई बार किसी कंपनी की झूठी खबरें दिखाकर छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट के बड़े लोग छीन लेते हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री में ऑपरेटर्स बोला जाता है। पहले तो ये लोग मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक की झूठी खबरें डलवाते हैं ताकि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर उस स्टॉक को खरीदना चालू कर दें, लेकिन कड़वा सच ये भी होता है कि ये लोग अपनी सस्ती कीमतों के शेयर न्यूज़ के जरिए हम लोगों को महंगे दामों पर बेच देते हैं और मुनाफा लेके साइड हो जाते हैं, और मेरे और आप जैसी आम जनता का पैसा उसमें फंसा रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ SIP के बारे में, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। दोस्तों, अपने पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है
जाता है SIP। SIP के माध्यम से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पे SIP को म्यूचुअल फंड्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आप SIP के माध्यम से डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के स्टॉक पे भरोसा है कि लंबे समय में ये स्टॉक का प्राइस बढ़ने ही वाला है। और दोस्तों ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे, जैसे कि FMCG और निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स भी आने वाले टाइम में मुनाफा देके जाएंगे। क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी क्रैश भी करती है तो लोग दवाई खाना नहीं छोड़ेंगे, लोग खाना खाना नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण के लिए टाटा का नमक खुशी के माहौल और दुख के माहौल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको किसी स्टॉक को चूज करके मंथली उसमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि सपोज पहले महीने जब आपने SIP करी तो शेयर प्राइस ज्यादा था, लेकिन जब आप अगले महीने SIP करते हो और मार्केट थोड़ा डाउन है तो उस समय पर इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा शेयर मिल जाएंगे, जिसे फाइनेंस इंडस्ट्री में कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करती हैं, आपके पास समय के साथ एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बन जाता है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। SIP से आपको ये भी फायदा होता है कि आप डेली स्टॉक की कीमत चेक नहीं करते और SIP की वजह से फाइनेंशियल टेंशन भी नहीं होती। और ये तरीका खास करके उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मार्केट कहां जाएगा इसका अनुमान लगाने की बजाय लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा मुनाफा बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आखिर कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करनी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से एप्लीकेशन के जरिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं, तो यार मैं पर्सनली ग्रो का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैं यहां पे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों को ट्रैक कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने कुछ स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा मैं फायर्स एप्लीकेशन के जरिए भी डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं। यहां मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं शॉर्ट टर्म के लिए। आप देख सकते हो कि यहां भी मैंने 40-45 हज़ार इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसमें मुझे अभी तक ऑलमोस्ट 10-12% का रिटर्न मिल रहा है। ये भी मुझे काफी अच्छा लगता है डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डालने के लिए। आप भी ग्रो और फायर्स दोनों में अपना अकाउंट बना सकते हैं। इन दोनों ही एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी पॉइंट नंबर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बड़ी सफलता आमतौर पे एक दिन में नहीं मिलती। अच्छी कंपनियों के शेयर समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग करते हो तो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है और आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना तक बढ़ सकता है। दोस्तों मेरी एक बात ध्यान रखना, पेशेंस के बिना डिसिप्लिन टिकाऊ नहीं हो सकता और डिसिप्लिन के बिना पेशेंस का कोई लाभ नहीं होता। पेशेंस आपको बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करता है, जबकि आपका डिसिप्लिन आपको आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग लगातार इन्वेस्ट करने में मदद करता है। कई बार अच्छे रिटर्न के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप उन प्रॉफिट से चूक सकते हैं जो कि पेशेंस रखने पर मिल सकते थे। और हाँ दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो आम के पेड़ के जैसा है जो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप जब चाहे एक आम तोड़ेंगे और खुद भी खाएंगे और अपने परिवार को खिलाएंगे, और आपके बाद आपके बच्चे भी आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाने में मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, इन्वेस्ट करें और सेफ रहें।